हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर यू चैनल। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाला हूं जो बहुत ही अच्छा है और जिसका नाम है फ्रेंड्स फ्लेक्स क्लिप। तो फ्लेक्स क्लिप एक बहुत ही अच्छा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और इसको कैसे आप यूज कर सकते हैं, इसके लिए फ्रेंड्स आपको कैसे अकाउंट बनाना होते हैं, तो सब कुछ इस वीडियो पर आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, गूगल पे जाके आपको टाइप करना है फ्लेक्स क्लिप। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे पहला वाला जो है फ्री ऑनलाइन वीडियो मेकर, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको साइन अप करना होगा, क्या लॉगिन करना होगा अगर आपका ऑलरेडी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मेरा पहले से ही अकाउंट है तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स, आप फेसबुक या गूगल के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं, क्या आप ईमेल और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गूगल के थ्रू यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं माई प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे सेक्शन है। तो अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे शो करेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, एक है क्रिएट बाय टेम्पलेट, दूसरा है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो अगर आप एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसको चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर कोई भी टेम्पलेट आप लेना चाहते हैं तो क्रिएट बाय टेम्पलेट आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा कैटेगरीज का टेम्पलेट आपको मिल जाते हैं। इवन फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ऑल है, बिजनेस है, सोशल मीडिया है, और हम लोगों को ज्यादातर लगते हैं यहाँ पे सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं फेसबुक है, यूट्यूब है, फेसबुक एड्स है, यहाँ पे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब एड्स है। तो बहुत कुछ आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारा आपको मिल जाते हैं। आप अगर माउस ओवर करते हैं तो यहाँ पे आपका वीडियो प्ले होना चालू हो जाएगा और आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा वीडियो आपको जरूरत होगा, कौन सा स्टाइल आपको लेना है। और उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना होगा। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ वीडियो एडिटिंग जो डैशबोर्ड होते हैं ऐसा तरह यहाँ पे खुल जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं, यहाँ पे टेम्पलेट है, मीडिया है, टेक्स्ट है, बहुत सारा ओवरलेस है। तो यहाँ पे एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका टूल्स है, मतलब टेम्पलेट का जो सेक्शन है, यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट को यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर आप इस टेम्पलेट को आपको अच्छा नहीं लगते हैं तो आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट को आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे प्ले बटन है तो यहाँ से आप प्ले करके आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू आपको मिल जाएगा कि आपका जो वीडियो है वो कैसा है। देखिए, यहाँ पे गेमिंग वीडियो चल रहे हैं तो ऐसे करके आप यहाँ पे गेमिंग वीडियो का जो एड होते हैं कि यूट्यूब के इंट्रो होते हैं वो आप यहाँ से बना सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स, नीचे जो सेक्शन है ये है आपका टाइमलाइन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ सेक्शन है, यहाँ पे 8 सेकंड का एक वीडियो है। यहाँ पे अगर ज्यादा वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ऐड लोकल मीडिया है, ऐड स्टॉक मीडिया है और ऐड बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे अगर आप बैकग्राउंड सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। ऐड स्टॉक मीडिया, यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो बहुत सारा स्टॉक फुटेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो फ्री है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं रिकमेंड करूंगा आप खुद का जो वीडियो होते हैं उसको ही आप यहाँ पे यूज कीजिए। यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं वीडियो और फोटो दोनों ऑप्शन है तो आप कोई भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा क्योंकि फ्रेंड्स रॉयल्टी का इशू आ जाते हैं यूट्यूब पे, तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे खुद का जो वीडियो है उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे पास एक वीडियो है उसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा एक वीडियो है, यहाँ पे अगर मैं प्ले करता हूँ तो यहाँ पे मेरा वीडियो पूरा आ गया है। आप यहाँ से फ्रेंड्स आप यहाँ पे कोई भी सेक्शन को ट्रिम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप 5 सेकंड या 3 सेकंड आप इस वीडियो का लेंगे तो आप ऐसे करके आप ट्रिम करके आप यहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ट्रिम वीडियो पे यहाँ पे क्लिक करना होगा और आपका वीडियो ट्रिम होके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और अभी यहाँ पे अगर मैं प्ले करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा वीडियो यहाँ पे। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन है तो अगर आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं, डुप्लीकेट लेयर बनाना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप इसको बना सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो है वो है फ्रेंड्स मीडिया। तो यहाँ से भी आप फ्रेंड्स तीन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, एक है आपका स्टॉक मीडिया, दूसरा है फ्रेंड्स लोकल फाइल्स और तीसरा है फ्रेंड्स रिकॉर्डिंग। तो अगर आप आपका स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड स्क्रीन आप यहाँ पे क्लिक करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या अगर आपका वेबकैम है तो यहाँ पे रिकॉर्ड वेबकैम, आप यहाँ पे क्लिक करके आपका वेबकैम से आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो उसके बाद बात करता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत सारा टेक्स्ट का यहाँ पे आपका टेम्पलेट मिल जाते हैं, स्टाइल वगैरह मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर माउस ओवर करते हैं तो यहाँ पे आपका एनिमेशन चालू हो जाएगा और आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि कौन सा आपको जरूरत होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है। और इसको अगर थोड़ा बहुत मूव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे माउस होल्ड करके आप इसको मूव करा सकते हैं और उसके बाद डबल क्लिक करके आप
कोई भी टेक्स्ट को आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ओके करना है तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना। और इसको अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे टेक्स्ट का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप टेक्स्ट का कलर को या बैकग्राउंड कलर को मतलब साइड कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप साइज को चेंज कर सकते हैं। इवन फ्रेंड्स इसको अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और उसके साथ फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारा आपको टेक्स्ट फॉन्ट आपको मिल जाते हैं तो कोई भी टेक्स्ट फॉन्ट आप यहाँ से लगा सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपका वीडियो पे बहुत ही अच्छा अच्छा ओवरले इफेक्ट आप डालना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे ओवरले पे आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत ही अच्छा अच्छा इफेक्ट आपको यहाँ पे नजर में आ जाएगा। कोई भी इफेक्ट को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो इफेक्ट है इसको अगर मैं डालना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं एक बार ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो वीडियो है वीडियो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहे हैं और यहाँ पे ओवरले इफेक्ट बहुत ही अच्छा यहाँ पे खुल के आ रहा है। तो अब ऐसे आप यहाँ पे ओवरले इफेक्ट डाल सकते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स एलिमेंट्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप कोई भी जो सोशल एलिमेंट्स होते हैं, शेप होते हैं, एरो होते हैं, वो अगर आप यहाँ पे डालना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बहुत सारा फ्री में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है तो आप कोई भी एलिमेंट को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर लाइक का यहाँ पे लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे लगा सकता हूँ, यहाँ पे 1 लाइक इंस्टाग्राम का जैसा अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है तो आप यहाँ पे उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। एक है आपका ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके आप इसको रोटेट कर सकते हैं लेफ्ट राइट हॉरिजेंटली वर्टिकली आप इसको चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे फिल्टर्स है, तो फिल्टर्स पे बहुत सारा फिल्टर आपको यहाँ पे देखने में आ जाएगा। कोई भी फिल्टर आप यहाँ पे लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा अच्छा फिल्टर आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पे एडजस्ट, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप ब्राइटनेस, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट सब कुछ आप यहां से चेंज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। जैसे आपका वीडियो एडिटर पे मिलते हैं एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर पे, ऐसे तरह आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाजवाब है। इवन फ्रेंड्स आप अगर वीडियो का स्पीड चेंज करना चाहते हैं तो स्पीड का ऑप्शन है, आप यहाँ से स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बात करता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, कोई भी आप ऐड बैकग्राउंड करना चाहते हैं, यहाँ से भी आप ऐड बैकग्राउंड कर सकते हैं। तो और अगर आप कोई भी यहाँ से अगर बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली ये वाला जो वीडियो है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कीवर्ड्स बहुत सारा यहाँ पे दिया गया है क्योंकि ये फ्रेंड्स स्टॉक फुटेज है। और यहाँ से फ्रेंड्स आप इसको अगर ट्रिम करना चाहते हैं तो ट्रिम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटा कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे यूज वीडियो पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे नया एक क्लिप आ गया है और उसका बैकग्राउंड ये वीडियो आ गया है। तो ऐसे करके फ्रेंड्स आप यहाँ पे बैकग्राउंड वीडियो लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप प्लस साइन क्लिक करके आप एड बैकग्राउंड करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपका बैकग्राउंड जो फिल कलर होगा मतलब कलर चेंज होगा। तो यहाँ पे एड बैकग्राउंड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा कलर यहाँ पे आ गया है, तो आप यहाँ पे कोई भी कलर को आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स बात करता हूँ म्यूजिक का। तो यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक अगर आप सेट करना चाहते हैं, फेड इन फेड आउट का बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, लूप प्लेबैक का ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, वॉल्यूम का सेक्शन आपको दिया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 2 ऑप्शन आपको दिया है, एक है स्टॉक म्यूजिक और दूसरा है फ्रेंड्स लोकल म्यूजिक। तो लोकल म्यूजिक अगर आपका पास है, यूट्यूब का, यूट्यूब लाइब्रेरी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक होते हैं वो अगर आपका पास है तो आप यहां से क्लिक करके आप कंप्यूटर से या पीसी से आप यहां पे चूज कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉक म्यूजिक यूज करना चाहते हैं तो यहां पे क्लिक करके आप स्टॉक म्यूजिक आप चूज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं रिकमेंड करूंगा आप YouTube लाइब्रेरी का जो म्यूजिक है वही यूज कीजिए क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे कितना लॉयल्टी फ्री है मुझे पता नहीं है इसके बारे में। और उसके बाद फ्रेंड्स बात करता हूँ यहाँ पे वाटरमार्क का। तो अगर आप कोई भी वाटरमार्क यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आपका चैनल का नेम या कुछ भी आप यहाँ पे डालना चाहते हैं, क्या चैनल का जो लोगो होते हैं वो अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इमेज पे जाके यहाँ पे ब्राउज इमेज करके आप आपका जो वाटरमार्क है उसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा वाटरमार्क यहाँ पे आ गया है। और इसका जो साइज है इसको अगर आप छोटा करना चाहते हैं छोटा कर सकते हैं, ओपेसिटी को यहाँ पे ज्यादा या कम कर सकते हैं। इवन फ्रेंड्स यहाँ पे जो पोजीशन है पोजीशन को भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं क्या इस कॉर्नर पे लगाना चाहते हैं क्या इस कॉर्नर पे लगाना चाहते हैं आप इसको सेट कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स बात करता हूँ यहाँ पे आपका रेशियो के बारे में। अगर आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक या यूट्यूब शॉर्ट्स जो होते हैं उसके लिए आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो आप कहाँ से सेट कर सकते हैं, उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मोर पे आपको क्लिक करना होगा। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं 1:1 रेशियो है। इवन फ्रेंड्स यहाँ पे 9:16 रेशियो है, 4:5 रेशियो है। और यहाँ पे अगर माउस होवर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ऐसे करके आप यहाँ पे आपका रेशियो यहाँ पे सेट कर सकते हैं।
और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नेम भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे डाल देता हूँ प्रोजेक्ट वन, तो यहाँ पे मैं डाल दिया है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट पे आपको क्लिक करना होगा। और उसके बाद फ्रेंड्स तीन रेजोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, 480p, 720p और 1080p। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं प्लस और बेसिक मेंबरशिप आपको जरूरत होगा अगर आप 720p और 1080p आप यहाँ पे लेना चाहते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे और एक ऑप्शन है जो है फ्रेंड्स जीप का, तो यहाँ से फ्रेंड्स आप जीप फाइल भी आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा क्या, कैसे बहुत ही आसानी से आप बहुत ही अच्छा वीडियो बना सकते हैं और आपका सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और आपका फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पर आपके साथ फिर से हाजिर हूँगा एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए गुड बाय।